हेलो गाइस, मैं दीप छात्रा और आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो आ गया एक नया वीडियो लेके फिर से। तो आज क्या लाए? आज एक सीएसएस हवर इफेक्ट लाए। नाइस सा इफेक्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। टाइम पास कर रहा था, बना लिया। तो मेरे पास अच्छा फ़ोटो नहीं था, इसलिए मेरा फ़ोटो नहीं दे पाया। तो ये मेरा फेवरेट एक्टर है, इसलिए इसका फ़ोटो दिया है। तो चलिए क्या बनाया देखते हैं। पहले अगर हम यहाँ पे माउस ले जाए तो मेरा नेम दीप सांतरा। देखिए होवर पे टाइटल भी आ रहा है, नेम, देन पोजीशन टाइटल भी आ रहा है, वेब डिज़ाइनर, यूट्यूब चैनल ओनली फॉर डिज़ाइन, फ़ोन नंबर है, देन ईमेल आईडी, देन फेसबुक का नाम। ओके, तो एक नया सा टाइम पास कर रहा था, क्या करे, तो एक बना लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते कैसे बनाते। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, जो जो मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में जो बेल बटन है उसको हिट कर दीजिए, तो सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड जो जो मेरा पुराना दोस्त है, प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो पे। सॉरी, तो पहले एक डेस्कटॉप पे हम फोल्डर बना लेते हैं। वेब डिजाइन बोल के एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, उसको हम सबलाइन में खोल लेते हैं, ठीक है। देन सेव एस वेब डिजाइन, देन इसके अंदर एक फाइल ले लेंगे index.html, ठीक है। देन इसके स्ट्रक्चर अंदर है CSS हवर इफेक्ट। ओके, टाइटल भी हो गया। एक स्टाइल शीट ले लेते सेव एज के अंदर, सॉरी style.css भी ले लिया, लेकिन इसके साथ लिंक कर दिए, लिंक। ओके, देन हमको इमेज चाहिए एंड एक पाथ चाहिए, सीडीएन पाथ चाहिए, फॉन्ट रसम का सीडीएन पाथ चाहिए, फॉन्ट रसम का वेबसाइट है इसका सीडीएन पाथ चाहिए। ओके, तो हम गूगल पे जाएंगे, गूगल, हम फॉन्ट रसम 4 यूज की है तो फॉन्ट रसम 4 ही लेते हैं, फॉन्ट रसम 4 CDN, देन इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक दे दिया, कॉपी हो गया। देन हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं, लिंक, देन पेस्ट। ओके, एंड और एक चीज मुझे लेना है, वहाँ से फोटो लेना है, तो हम इसके अंदर बनाए थे अंदर फोटो, एक बार हम कॉपी कर लेते हैं वाला फोटो, क्योंकि मेरे पास अच्छा फोटो नहीं है। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं इमेज का, IMG बोल के, देन इसके अंदर पेस्ट। ओके, IMG बोल के इमेज का नाम है, देख सकते हैं। तो चलिए मेरा सेटअप हो गया। तो पहले हम बॉडी पे कलर देंगे, बॉडी मार्जिन 0, पैडिंग 0। अगर कोई मार्जिन पैडिंग लेके रखा है तो उसका सब 0 हो जाएगा, ठीक है। देन बैकग्राउंड मेरा थोड़ा, मैं जानता हूँ मेरा थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ थोड़ा दिन वेट कर जाइए। मैं अमेजोन पे ऑर्डर किया हूँ, नेक्स्ट हफ्ते के अंदर चला आएगा। सॉरी फॉर इट, प्लीज़ वेट कर जाइए एक महीना। और मेरा कीबोर्ड भी ख़राब हो गया, हम कीबोर्ड भी ऑर्डर किए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बैकग्राउंड हम पहले ब्लैक कलर दे रहे हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं इसमें। तो बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक दिया है,
हम यहाँ से चेंज करेंगे, कौन सा कलर अच्छा लगा देखता हूँ। पर्पल, पर्पल यही कलर लेता हूँ। नहीं ठीक है, ये कलर रखता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट हेयर। ओके तो बैकग्राउंड हो गया। देन हम एक फोल्डर लेंगे, इसके अंदर फोल्डर डीप लेंगे, डीप के अंदर देंगे इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स जी बॉक्स। ओके देन इसके अंदर हम देंगे इमेज को, दे रहा है इमेज को, दे रहा है इमेज के अंदर आईएमजी के अंदर img.jpg। देन ऑल टैग जरूर देना, देन सेव एंड रिफ्रेश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ गया, मेरा ये आ गया। तो इसको कॉपी करेंगे क्लास को, देन विथ 300 पिक्सल हाइट 100 पिक्सल पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50% लेफ्ट 50%। हम पूरा बीच में लाएंगे इससे, या कोई चीज को अगर बीच में लाना है तो आप ऐसे करके बीच में ला सकते हैं। टेंजेंशन ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस 50% एंड माइनस 50%। सॉरी आप शायद देख नहीं पा रहे तो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके इतना तो ठीक है ना, इतना ठीक है। ज़्यादा बड़ा करूँगा तो मेरा ही प्रॉब्लम होगा आँखों में। तो हो गया, यहाँ पे भी एक बार सेव कर लेता हूँ। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्या क्या किए हम, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक CSS है, एक टाइटल है, एक फॉन्ट रस्म का लिंक है और कुछ नहीं है। देन ये बॉक्स लिया है, देन इमेज। ओके देन हम इसको सेव कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, देन इमेज को देंगे, देन इसके अंदर जो इमेज है IMG इसको विथ 100% देंगे, सॉरी विथ 100%। सेव रिफ्रेश है, सॉरी आई थिंक माइनस, ओह यहाँ पे गलत था, हम सेमी कलन यहाँ पे कॉमा देना था, तो प्रॉब्लम हो गया। देन ये देखिए बीच में आ गया, इसको फुल स्क्रीन करें तो देखिए पूरा बीच में है, ठीक है। अगर छोटा भी करें तो देखिए पूरा बीच में आ गया, अगर छोटा करें तो पूरा बीच में ही रहेगा। तो मेरा आ गया। देन हम लेंगे के अंदर इमेज बॉक्स के अंदर एक फोल्डर डीप लेंगे, क्लास देंगे आइकॉन, आइकॉन। ओके देन और एक डीप लेंगे, इसका क्लास है यूजर, पहला वाला यूजर। देन यूजर का जो हमारा ये होता है फॉन्ट रसम का आई, सॉरी हम यहाँ से ले लेते हैं आइकॉन्स, सॉरी आइकॉन्स ये वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट कर दिए। अब देख रहे हैं सर, देखिए ठीक से पेस्ट कर दिया। इसके अंदर पेस्ट पेन लेंगे, देन नाम देंगे दीप शांतरा, सेंट आर शांतरा। एंड जो टाइटल था जो होवर करने पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर होवर करे तो यहाँ पे आ रहा है नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ता है टाइटल टेल नेम। ओके तो मेरा एक तो हम ये कर देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं अभी, काट इसको भी काट दे रहे हैं, रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे आया, तो हम लेंगे आइकॉन को
position absolute right 0, top 0. ओके देख रहे हैं कहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 0 टॉप 0 दिया है, यहाँ पे आ गया। देन हमको देंगे यूजर, ये आइकॉन, आइकॉन के अंदर यूजर डॉट यूजर, यूजर के अंदर आएगा आई। हम क्लास को लिख रहे हैं, जो जो क्लास हो सकता है उसको हम लिख रहे हैं span। ओके देन सेव रिफ्रेश। तो पहले हम यूजर को लेंगे, पहले यूजर को लिया, फिर पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे लेफ्ट 0 टॉप 0, सॉरी टॉप 0। देन बैकग्राउंड रेड, ओके विड्थ दे रहे 24 पिक्सल, तो थोड़ा और दे रहे। अच्छा और पैडिंग देंगे 40 पिक्सल, पैडिंग दे दिया 40 पिक्सल, तो विड्थ थोड़ा ज़्यादा दे दिया, विड्थ होगा 24 पिक्सल। ओके तो ऐसा हो गया। देन देंगे व्हाइट स्पेस, स्पेस नो रैप, नो रैप एंड ओवरफ्लो हिडन। ओके ओवरफ्लो हिडन हो गया। देन हम देंगे यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन। अब देख रहे हैं सर, तो इसको तो हम कैसे बड़ा करें पता नहीं, अब थोड़ा सा करके देखिए। अब ओवरफ्लो हिडन हो गया, थोड़ा ट्रांजेक्शन देंगे हम, ऑल भी दे, ऑल दे देते हैं, ऑल देंगे बाद में, क्योंकि कलर जब हवर करेंगे तो कलर भी चेंज होगा ना। तो अगर हम विथ को चेंज कर सकते हैं हवर पे, तो ओनली विथ देंगे। अगर दो तीन चीज़ करना है तो हम ऑल दे देंगे, ऑल 0.5 सेकेंड। ओके तो ये मेरा हो गया, अभी इतना तक हम इसको, सॉरी इसको कॉपी किया, देन इसके अंदर हम पेस्ट कर दिए। तो अब देख सकते हैं, हम रिफ्रेश, इतना ऐसा आ गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या पेस्ट किया, आप थोड़ा देख लीजिए। हम यहाँ पे पोजीशन दिया एब्सोल्यूट लेफ्ट 0 टॉप 0, बैकग्राउंड रेड विथ 24 पिक्सल, पैडिंग व्हाइट स्पेस नो रैप ओवरफ्लो हिडन एंड ट्रांजेक्शन ऑल 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड रेड के ऊपर कलर देंगे, थोड़ा कलर व्हाइट, रेड के साथ व्हाइट अच्छा आएगा। ओके तो देखिए व्हाइट आ गया। अब हमको क्या करना है, का अगर जब होवर करे ना, स्पैन यूजर दे दिया, यूजर पे होवर करे, हवर 200 पिक्सल, 200 पिक्सल जब हवर करे तो ये 200 पिक्सल हो जाएगा, देखिए हो रहा है ना। तो और हमको क्या करना है, इस दीप संतरा को थोड़ा साइड में लाना है, राइट साइड पे देना है एंड यूजर आइकॉन को हम थोड़ा पोजीशन देंगे। तो हम दीप संतरा आइकॉन पे जाके देंगे पैडिंग ऊपर नीचे से 0 एंड दोनों साइड से 6 पिक्सल दे रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट टॉप बटन से 0 एंड लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल। ओके एंड मार्जिन राइट 20 पिक्सल। ओके हम सेव कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। अब देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया,
एंड और एक चीज़ देना है इसको, कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे देंगे कर्सर पॉइंटर। ओके रिफ्रेश, देखिए जब कर्सर हमको माउस यहाँ पे दे रहा है तो पॉइंटर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा आ गया, 0.5 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो हम जब हॉवर करेंगे तो इसका रेड कलर भी चेंज होगा, ठीक है। कैसे करें, जब हॉवर करेंगे रेड कलर भी चेंज होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल दे दिया एंड यहाँ पे हॉवर पे कलर बैकग्राउंड रेड को ब्लू कर दे रहे हैं, ब्लू अभी दे रहा है कलर, देखता हूँ कैसा आता है। देखिए पूरा ब्लू हो जा रहा है, ठीक है, तो रेड को ऐसे आ जाएगा, तो मेरा एक हो गया। अब देख रहे हैं बहुत अच्छा सिंपल सा है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जब इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, ठीक है। आइकन के अंदर यूज़र को कॉपी किया, देन पेस्ट, यूज़र के बाद था मेरा क्या, यूज़र के बाद था नेम, नेम तो हो गया, यूज़र के बाद था पोस्ट पोजीशन, ओके मेरा पोजीशन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाता है, तो इसलिए हम कॉपी कर लिए, तो हम पोजीशन देंगे, पोजीशन का आइकन यहाँ से ले लेते, पोजीशन का आइकन कौन दे, हम बॉक्स दिए थे तो एक हम यहाँ पे दे रहे हैं वर्क, हाँ एक बार बॉक्स दे देंगे, कॉपी, अभी जस्ट कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, आप पूरा देख लिए, हम बाद में फिर से एक बार सबको, ओके ठीक है, हम और एक बार हम ये कर दे रहे, इसको हम कट कर रहे हैं अभी, काट किया, ओके हम एक बार इसको समझा दे रहे हैं। देखिए पहले एक आइकॉन ले, इमेज है, इमेज बॉक्स, पूरा इमेज बॉक्स उसके अंदर इमेज है, देन हम अलग से एक आइकॉन लिया, आइकन अलग से, देन पूरा आइकन के अंदर यूज़र, एक यूज़र है, हम एक एक जो आइकन है उसके एक अलग अलग से डीप लिया, यूज़र है, तो यहाँ पे जा रहे हैं जो आइकन के अंदर यूज़र, आइकन को जस्ट कुछ नहीं किया, पोजिशन एब्सोल्यूट राइट जीरो टॉप जीरो दे दिया तो आ गया, एंड आइकन यूज़र उसके अंदर यूज़र जो है उसका दे दिया पोजिशन एब्सोल्यूट राइट लेफ्ट जीरो टॉप जीरो, ठीक है। देन बैकग्राउंड रेड कलर व्हाइट विथ 24 पिक्सल पैडिंग 40 पिक्सल व्हाइट स्पेस नो डेप एंड वर्ड फ्लो हिडन ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड इसे कर्सर पॉइंटर, ओके। देन जो आई है, जो आइकन है, आइकन का पैडिंग देंगे दिया है ऊपर नीचे से 0 एंड दोनों तरफ से 6 और मार्जिन राइट दिया 20 पिक्सल, ओके। तो स्पैन का अभी कुछ नहीं किया, स्पैन का कुछ नहीं करना, स्पैन हम डिलीट कर दे, स्पैन का कोई ज़रूरत नहीं। देन यूज़र के हॉवर, जब हॉवर करेंगे वही हो जाएगा 200 पिक्सल एंड बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लू और कुछ नहीं, देख सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देन हम यहाँ पे यूज़र के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं पोस्ट, तो हम देंगे वेब डिज़ाइन, वेब डिजाइनर पोस्ट, वेब डिजाइनर दे दिए, ओके वेब डिजाइनर पोस्ट दे दिए। देन अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, पोस्ट हाँ पोजिशन पोस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तीनों को कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ तीनों को कॉपी किया, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड देन जो यूज़र है यूज़र को कंट्रोल डी से, ये जे ये मेरा सबलाइन है, सबलाइन में एक बहुत इजी है जो एक चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उस स्पेस पे जहाँ वो सेम चीज़ है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हमें तीन हो गया, देन इसको जस्ट लेंगे पोस्ट, पोस्ट लिख दिए, देखिए अब क्या होता है, देखें पोस्ट लिख दिया वहाँ वेब डिज़ाइनर आ गया, ठीक है। तो मेरा जो नाम था वो कहाँ गया, क्योंकि पोस्ट देखिए यहाँ पे टॉप जीरो है, हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा,
top 50 pixel. Top 50 pixel, okay. ठीक है, तो हम थोड़ा refresh करें, आप देख सकते हैं नीचे आ गया top 50 pixel वाले डिजाइन. तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड जस्ट कुछ नहीं करेंगे, जस्ट कलर चेंज करेंगे. पोजीशन का कलर दे रहे ब्लू, ब्लू नहीं, पोजीशन का कलर ब्लैक दे रहे हैं, ब्लैक कलर दे के रखते, देखते कैसा आता है ब्लैक में. ठीक है, जस्ट कॉपी एंड कलर पे पेस्ट. ओके, हम बैक ओके. और जो होवर पे जो कलर आएगा हम चेंज नहीं कर रहे, होवर पे कलर सेम रहने देते, चेंज कर सकते. ओके ठीक है, हम एक चेंज करके दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लू के जगह देते रेड दे देते. ठीक है, फिर आपको दिखाने के लिए जो हो सकते हैं इसलिए हम ऐसे रेड दे दिया, देखिए. ठीक है, तो मेरा दो हो गया. देन हम इसको कॉपी, देन कॉपी पेस्ट यहाँ पे पोस्ट 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 दिया है मैंने. उसके बाद देंगे चल यू चैलेंज CHANNEL चैनल, मतलब मेरे जो YouTube चैनल है उसका क्लास को चैनल है. यहाँ पे टाइटल पे भी पोस्ट करते रहे चैनल, एंड यहाँ पे लिख देंगे YouTube, जस्ट कुछ नहीं YouTube दे दिया. एंड अब चैनल का नाम Onlyfordesigns. ओके, देन सेव एंड फिर से इसको कॉपी, तीन को कॉपी कर लिया. देन यहाँ पेस्ट एंड जस्ट इस चैलेंज जो क्लास है इसको हम चेंज कर देंगे, तीन को कॉपी सिलेक्ट करके चेंज. एंड और एक थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये जो टॉप है टॉप से हम यहाँ पे 100% मतलब 50 पिक्सल करके हम गैप रख रहे हैं एक से. ठीक है, दे दिया, देखिए YouTube आ गया. तो YouTube का बैकग्राउंड रेड होता है, हम रेड कर दे रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड. इसको कॉपी कर लिया, इसको रेड कर दिया एंड इसको हम ये वाला कलर दे देंगे. ठीक है, ब्लैक कलर दे देंगे. तो देखिए ओके, हाँ तो ऐसे आ गया तीन. और एक बनाते हैं हम, मेरा व्हाट्सएप नंबर के लिए बनाते हैं, व्हाट्सएप के लिए बनाते हैं. देन व्हाट्सएप का आइकॉन ले लेंगे, देखते हैं व्हाट्सएप का आइकॉन मिलता है कि नहीं. मिल जाएगा व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप का आइकॉन मिल गया. कॉपी आइकॉन पे पेस्ट व्हाट्सएप, बहुत लिखना पड़ेगा इसलिए हम यहाँ पे ये कर दिए व्हाट्सएप नंबर पे. व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं हम +91 7872 29 4558. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ अब कोई भी है आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7872 29 4558. कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन तो हम रिप्लाई देंगे. ओके, और फिर आपको आप मेरे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं. तो इसको कॉपी कर लिए चैलेंज जो डी वे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एंड जस्ट जो व्हाट्सएप क्लास है इसको जो एक्सचेंज कर देंगे. ओके एक्सचेंज, एंड इसका हाइट थोड़ा बढ़ेंगे 150 कर देंगे, 150 कर देंगे. देखिए क्लिक रीलोड, हम थोड़ा व्हाट्सएप का कलर हम चेंज कर देंगे, तब तक कलर है ग्रीन. ओके ठीक है, ये वाला कलर कर दिया. देन रेड को चेंज कर दिया. तो देखिए आ गया
बहुत आसान है एंड बहुत सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके प्लीज 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 माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।